यार आज की वीडियो में ना दो बहुत ज़रूरी बातें करनी है। पहली बात, हमारे इरादे और सुस्ती। यार जब मैं कॉलेज में था, अब यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं तो बैठ के ना अक्सर इस तरह होता था कि मैं बैठा सोच रहा होता था, काश मैं इस टाइम फारिग होता यार, मैं जिम करता, एक्सरसाइज करता, नॉवेल्स पढ़ता, कुछ क्रिएटिव करता। ओहो, ये नहीं, मतलब समझ गए ना। पर ना जब वाकई वीकेंड आता था, छुट्टी आती थी ना, तो सुस्ती जो है ना वो ज्यादा अजीज हो जाती है। तो कुछ इस तरह दिन गुजरता है कि बेटा उठ जाओ, 2 बज गए हैं। यार एक ही तो दिन मिलता है छुट्टी का, इस दिन तो सोने दो। पर यार अब ना मुझे आई हैं 2 महीने की गर्मी की छुट्टियाँ, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या वही रवायती तरीका कि मैं सुस्ती से गुजार दूँ जिस तरह मैं गुजारता है, या फिर दूसरा तरीका कि मैं इस दफ़ा जो मैं वाकई करना चाहता था वो करूँ। तो मैंने इस दफ़ा दूसरा तरीका करना, तो उस लिस्ट में पहला जो काम था वो था सुबह उठ के जॉगिंग करना। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो ये शालामार बाग है, अभी आपको थोड़ी सैर भी कराती हूँ। तो ऐसे हो गया है, और यार दूसरी बात जो करनी थी ना कि फ्रॉम नाउ ऑन नो मोर रनिंग अवे फ्रॉम द कैमरा। मैं अभी तक कैमरे से भाग रहा था। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है तो उसके अंदर हम राना रिजॉर्ट गए थे, तो उस जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने कैमरा उठा के उससे बात की थी। तो मेरे जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं ना वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो मुझे समझ आ गई थी ये पहले। तो मैंने सीन्स के ज़रिए उस सारी अपनी कमी को कवर करने की कोशिश की, लेकिन दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एनीमोर। सो अब से मैं इस तरह करूँगा कि मैं स्टोरी टेलिंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यार जो वक्त गुजर चुका है वो तो गुजर चुका है, पर जो वक्त इस टाइम मौजूद है कम से कम इसे भी इसी तरह जाया ना कर दिया जाए। क्योंकि मैं तो ये नहीं चाहता कि कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मैं ये बैठ के सोचूं काश उस वक्त मैं ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। So do what you love before it's too late.